जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 64 हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय में कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया। सीएमओ ने सभी को निर्देश दिया कि कहीं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में लगातार कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। कोविड को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सालय के कोविड नियंत्रण अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है। जनपद में कोविड मरीज की संख्या 64 हो गई है। अगर जनपद में बाहर से लोग आ रहे हैं तो सैंपलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड की जाँच कराएँ और जो कोविड से संक्रमित हैं वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर आइसोलेट हो जाएँ तथा मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अभी तक टीका नहीं लगवाया है वह जल्द से जल्द टीका लगवा लें ताकि जल्द से जल्द कोरोना को नियंत्रित कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, बहुत ही लोग आ रहे हैं फोन से जिलाधिकारी महोदय जी तो उनसे अनुरोध कर लिए कोविड नियंत्रण को लेकर के बैठक की गई थी। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जनपद में 60 केसेस एक्टिव केसेस हो गए हैं और कल 19 केसेस निकले हैं, इसलिए चिकित्सालय की जो कोविड नियंत्रण की कोर कमेटी है इसकी बैठक की गई थी। इसमें जो हमारे स्पुटम सैंपलिंग के इंचार्ज हैं डॉक्टर ए के सिंह साहब का सुझाव था कि फोकस सैंपलिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करें और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनको कोविड की दवाइयाँ दें। इसी सिलसिले में हम लोगों ने बैठक की थी और आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड की जांच कराएं और जो सिम्टोमेटिक हैं वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के कोविड की दवा लें और स्वयं आइसोलेट रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, जिससे हम कोविड को नियंत्रित कर सकें। जिन लोगों ने टीका अभी तक नहीं लगवाया है वो टीका लगवा लें, जिन्होंने पहली खुराक लगाई है वो दूसरी खुराक लगवा लें, जिन्होंने दूसरी लगवाई है वो तीसरी खुराक लगवा लें। अपने नौनिहालों को 12 से वर्ष के जितने भी ऊपर के जितने भी नागरिक हैं सबको कोविड का टीकाकरण कराना चाहिए, सबको करा लेना चाहिए।